ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर यूटी संगठन द्वारा आज जम्मू में प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और आंखों पर पट्टियां लगाकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संगठन के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाए और युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाए। संगठन के सदस्यों ने सरकार की युवा विरोधी नीतियों को लेकर भी बात की। ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया जेएंडके यूटी चेयरमैन, आज हम लोगों ने एक बड़ा ही पीसफुली और एक साइलेंट एक प्रोटेस्ट बोलो चाहे एक मैसेज बोलो, वो हमने आज यहाँ पे बड़े ही कम तादाद में यूथ के साथ रखा है। लेकिन ये एक मैसेज जो है हमारा, एक पट्टी लगा के, कान में रुइयाँ डाल के और मुंह में मास्क लगा के, ये मैसेज दर्शाता है कि हमारे युवा जो रोड पर खड़े हैं, जहाँ रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ हम अपनी गुहारें लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों के बाहर जाके अपनी आवाज़ें उठा रही हैं, ना तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, ना ही उनको सुनाई दे रहा है, ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज़ हम आगे आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे लोगों का जो मसले मिसाइल हैं उनको हल करें। जितनी भी प्रॉब्लम हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की है उसको जल्द से जल्द ठीक करें, नहीं तो आने वाले दिनों में, आज हमारा मैसेज है कि बहुत ही उग्र प्रदर्शन जम्मू में होगा, जम्मू छोड़ के कश्मीर में भी होगा। जम्मू कश्मीर एक है जिसमें हम बोलते हैं कि स्टेटहुड जो हमारी रियासत है वो भी हमें वापस चाहिए, जिसके मतलब कि हमें काफ़ी देर से एक अंदर से एक आशंका रहती है कि हमारी रियासत रियासत रियासत, जिसको रियासत का मतलब कि भूत सवार हो वो यूटी में कभी नहीं रह सकता, और यूटी से रियासत बना दी ये हमारे लिए शर्म की बात है। दूसरी, हमारे जम्मू कश्मीर की पब्लिक को जो 80% जॉब रिजर्वेशन है वो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, जिसके चलते हमारे यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो नौकरी करें, प्राइवेट जॉब करें, कई कंपनियों में लगें, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो, और हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट जो काफ़ी देर से हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट ने जो है लागू कर रखा है, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। हमारे डेली वेजेस जो आज कई दिनों से प्रोटेस्ट में या धरने में बैठे हैं, जो मारे खा रहे हैं, उनको अपना जो मिनिमम वेजेस एक्ट है कम से कम 18 से 15 हज़ार तक वो तो कम से कम उनको मिले, जिससे अपनी वो रोजी रोटी, जब बच्चों की स्कूल की फीस वो है वो चला सकें। और हमारे युवाओं की जो परेशानी है बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे आप देख सकते हैं आए दिन हमारे पुल बंद होते हैं, हमारे रोडों पे होते हैं, हमारी बच्चियां बॉर्डर बटालियन की, बीएसएफ की, सीएसएफ की, हमारे डेंटल के, हमारे और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी डिमांड्स को लेकर आए दिन अपना प्रोटेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेस्ट जो हैं वो और ज़्यादा ना बढ़ाएं, उनको कम करने की कोशिश करें, उनके मुश्किलें जो हैं वो खत्म करें, उनकी डिमांड जो है वो पूरी करें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook डू फॉलो आवर Facebook पेज।